अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया जिशान। नाजरीन, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई ने अफगान महाजरीन के पाकिस्तान में क़याम के हवाले से एक नाकाबिल फहम बयान दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा अफगानों का भी है, जिसमें मुल्क भर पर में बहुत ज़्यादा इस बयान पर तनकीद की जा रही है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि 1947 में पाकिस्तान की जो सरहदें वजूद में आई थी उनकी कोई अहमियत नहीं। ड्यूरेंट लाइन के हवाले से यही बात तो अफगान हुकूमत भी कहती है, तो क्या महमूद खान अचकज़ई की जो हमदर्दियां हैं ये पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान के साथ हैं। वज़ीर आला परवेज़ खटक भी ये कहते हैं कि इस बयान से महमूद अचकज़ई ने पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुका दिए हैं। पंजाब असम्बली ने भी आज इस हवाले से मजम्मती करारदाद मंजूर की है। याद रहे कि वज़ीर आज़म ऑफिस के ऐलामे के मुताबिक जो रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन हैं इनके पाकिस्तान में क़याम में 6 माह की मजीद तौसी कर दी गई है, जिस पर KPK की जो हुकूमत है बहुत नाराज़ है क्योंकि ये महाजरीन मजीद 6 माह पाकिस्तान बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर बोझ बने रहेंगे, जिनकी मेज़बानी हम गुज़श्ता 35 सालों से कर रहे हैं। आखिर बदले में हमें मिला क्या? क्लैशनकोफ, हेरोइन कल्चर और दहशतगर्दी के तहाइफ। हाल ही में होने वाले तुर्खम बॉर्डर वाक़े से भी मुल्क भर में अभी तक शदीद गम और गुस्से की लहर है कि लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी का हमें यह सिला मिला है। अगर इस तनाजुर में अगर KPK की हुकूमत अफगान महाजरीन का मजीद बोझ उठाने को तैयार नहीं है तो इसकी ठोस वजूहत हैं, लेकिन महमूद खान अचकज़ई महाजरीन के हक में ऐसा बयान देते हैं जो बिला जवाज और इश्तियाल अंगेज है। यहाँ अहम सवाल ये भी है कि अगर पाकिस्तान ने काबुल की मर्जी के बगैर इन महाजरीन को वापस भेजने की कोशिश की तो क्या दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ सकती है, और क्या पाकिस्तान 4 दहाइयों से बसने वाले इन अफराद को वापस भेजने में कामयाबी हो पाएगा या नहीं। उधर अमरीकी सैनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन सैनेटर जॉन मैकेन ने एतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान कामयाब और ओबामा नाकाम है। क्या इसका मतलब लिया जाए कि अफगानिस्तान में अमरीका की शिकस्त हो चुकी है? इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक अजीब व गरीब बयान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बयक वक्त कई ताकतें काम कर रही हैं, इसलिए उन्हें समझ नहीं आती कि मुज़ाकरात किसके साथ किए जाएं, हुकूमत के साथ बात करें या किसी और के साथ। नरेंद्र मोदी की हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात से बचने के लिए मुख्तलिफ बहाने तराशे जा रहे हैं, तो क्या ये मुज़ाकरात ना करने का एक नया बहाना है कि पाकिस्तान में जो इख्तियार है ये हुकूमत के पास नहीं है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के पास है? मुशीर खारजा सरताज अजीज़ पहले ही ये वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान में जो भी खारजा पॉलिसी बनती है इसमें इस्टेब्लिशमेंट की राय भी शामिल होती है। यानी पाक भारत मुज़ाकरात होते तो हैं, पाकिस्तान की जानिब से तमाम स्टेक होल्डर्स का हुकूमत को मुकम्मल तआवुन हासिल होता है और नवाज हुकूमत भारत के साथ जो भी मुआहदा करेगी इसकी माजी की तरह पासदारी की जाएगी। पाकिस्तान हमसाए ममालिक से पुरम तालुकात के लिए मुज़ाकरात के लिए हमेशा से तैयार रहा है, लेकिन सरताज अजीज़ ने यह वाज़े किया है कि भारत से मुज़ाकरात हुए तो सरफहरिस्त जो है ये कश्मीर का एजेंडा होगा और इस पर कोई भी भारतीय डिक्टेशन कबूल नहीं की जाएगी। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने आखिर ये बयान क्यों दिया और क्या भारतीय सरकार दुनिया को अपनी अम परस्ती दिखाने के लिए दोबारा पाकिस्तान को मुज़ाकरात की कोई पेशकश कर सकती है? इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं से और कराची से हमारे साथ जफर हिलाली साहब मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे वफाकी वजीर सैफरान अब्दुल कादिर बलोच साहब। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जफर हिलाली साहब, अफगान महाजरीन की जो वापसी है ये बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। सबसे बड़ी पहली गलती तो ये हुई कि महाजरीन को धड़ाधड़ आने दिया गया जब जंग शुरू हुई, उसके बाद इस पर कोई पाबंदी नहीं लगी। आज इन महाजरीन को निकालने की बात की जा रही है, महाजरीन की तादाद यहाँ पर लाखों में है। KPK हुकूमत इन्हें अपने वसाइल पर बोझ करार देती है, कहती है कि जो जिन रोजगार पर वो काबिज है वो हमारे अपने लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो आखिर ये जो महाजरीन की वापसी का मसला है ये कैसे हल होगा? क्या ये मसला बहुत पहले ही हल नहीं हो जाना चाहिए था, जो आज ये तासुर उभर रहा है कि शायद पाकिस्तान जबरदस्ती महाजरीन को वापस भेजना चाहता है? पहले बात तो ये है कि मेरे ख्याल में जब एक सिक्योरिटी सिचुएशन एक मुल्क में तबाह हो गया है और उधर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये कहना कि हम रोक सकते थे तो एक ही तरीका है रोकने के लिए, और वो तरीका जैसे यूरोप में कि भाई गोली चलाओ या मरने दो उनको। माने कि ये तो हम ये दोनों चीज़ें हम तो नहीं कर सकते हैं ना, हमारे में ये बिल्कुल नहीं हम कर सकते हैं कि ना उनको हम रोक सकते हैं
इसलिए कि अगर रोके तो उनको मारें और ना हम उनको फोसिबली रिपैट्रिएट कर सकते हैं, इसलिए कि दैट्स नॉट ऑन, वो मॉरली अनएक्सेप्टेबल है। मगर उसके दरमियान बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि इतना हमारी जेनरोसिटी, पाकिस्तान का दिल और पाकिस्तानियों का दिल इतना बड़ा है कि कभी बेमिसाल है कि 2-3 मिलियन रेफ्यूजीज इधर आए और हम उनको रहने दें, घर दें, पैसे दें, उनको नौकरी, 1 मिलियन 10 लाख जॉब्स अफगानों के पास है इस वक्त पाकिस्तान में, और वो सब नौकरी जो है पाकिस्तानियों के होना हो सकता था, मगर हम फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा जो जेनरोसिटी है इट्स मैचलेस, इसलिए मैं समझता हूं उसको तो हम बिल्कुल खराब नहीं कर सकते हैं, वो एक इंप्रेशन है। और अगर ये अफगान हुक्मरान ना माने, कारजाई ना माने, हालांकि 12 साल इधर गुजारा था, दूसरे लोग हैं जो वो मानते हैं, और इंशाल्लाह वो एक दिन सोचेंगे कि ये वाकई हमारा ब्रदरली कंट्री है। मगर इसका हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और खासतर महमूद अचकजई साहब, जो 30 साल इस मुल्क का नमक खाया है, 30 साल नमक खाया है, और उनको ये जाके कहना कि ये जो ये है हमारा प्रोविंस एक्चुअली वो अफगानिस्तान का है, देखिए उनका एक्सप्लेनेशन कि मैंने ये नहीं कहा, मैं एक हिस्टोरिकल टर्म, वो भी झूठ था, इसलिए कि जिस वक्त वो डिनाई कर रहे थे दूसरे चैनल पे उनका नंबर 2 आके वही कह रहा था जो वो कह रहे थे। अब आप सोचिए कितना अब्सर्ड सिचुएशन है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान में एक दिन था, एक जमाने में अफगानिस्तान का टेरिटरी था, तो आपको पता है कि काबुल का जो काबुल जो था एक जमाने में रंजीत सिंह और पंजाब का टेरिटरी था। बिल्कुल, इसका मतलब क्या कि जितने सिख हो अफगानिस्तान में वो आके लाहौर में बस जाएं और कहें ये हमारा हक है, ये हमारा एक जमाने में ये हमारे एक हमारा मुल्क था, या अगर हिंदुस्तान ऐसी बात करें वो सब सिखों को कह दें कि आके इधर रह जाओ, या पश्तून जो हैं लंदन में वो आके पाकिस्तान को कहें हम आके इधर बस सकते हैं इसलिए कि ये हमारा हक है। बिल्कुल सही, ठीक है, एब्सोल्यूट नॉनसेंस, ठीक है, एब्सोल्यूट नॉट। शाहिद लतीफ साहब, अफगानिस्तान को तो अरबों डॉलर की इमदाद भी मिल रही है, अब वो अवामिल, जंग के अवामिल भी खत्म हो चुके हैं जिसकी बुनियाद पर मुहाजिरीन पाकिस्तान आए, हमने 30-35 साल उनको होस्ट किया, उनकी मेजबानी की, क्या अफगानिस्तान को बाइज्जत तरीके से उनको वहां बसाने के, वापस लेके जाने के इकदाम करें? आज अगर हम उनको वापस भेज रहे हैं, ये जो 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 एक तबका 30-35 साल पाकिस्तान में रह चुका है, जिनका रोजगार यहाँ से जुड़ा है, वो कैसे जाने पर राजी हो जाएंगे? और अगर हम उन्हें जबरदस्ती भेजेंगे तो आप नहीं समझते कि इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में मजीद कशीदगी पैदा होगी? देखें जी, इस तरह की बातों उसूलों की बुनियाद पर की जाती है ना। कौन सा दुनिया का हिस्सा है जहां मुहाजरीन अगर कहीं दूसरे मुल्क में जाएं तो वो फिर 3 दहाइयों से भी ज़्यादा एक मुल्क का हिस्सा बन जाएं? आप देखिए अभी हालिया दिनों में यूरोपियंस जो हैं वहाँ पे चीखों पुकार क्यों हो रही है, वो जो महाजरीन का उनके सामने एक मामला उठकर आया है, खासकर वो जो शाम से बहुत सारे महाजरीन जो हैं यूरोपीय ममालिक की तरफ गए, हालांकि उस मुल्क में किस हद तक इंतशार फैला हुआ है और कितने मुश्किल हालात हैं, और उसके बावजूद वहाँ पे कितनी आवाज़ें उठ रही हैं। तो ये तो तकरीबन 3.5 दहाइयों का मामला है, और हम 3.5 मिलियन लोगों की बात कर रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यानी उनकी एक नई जनरेशन यहाँ पे पैदा हुई और वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। देखें इन मामलात को, अभी जो बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि 10 लाख जो नौकरियाँ हैं वो हमारी नौकरियां हैं जो अफगान महाजरीन के हवाले हमने कर रखी हैं, तो वक्त के साथ साथ क्या पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क है, इतने इसके वसाइल हैं कि 3-3.5 मिलियन महाजरीन जो है उनका बोझ वो हमेशा के लिए बर्दाश्त करता रहे? ऐसा मुमकिन नहीं है। इसमें यह बात नहीं है कि हमारी उनसे कोई दुश्मनी हो जाएगी, अफगानिस्तान को यह बात समझना होगी, हमारी इकोनॉमी, हमारे वसाइल जो हैं इस सारी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने उनके साथ भाइयों का सलूक किया और बड़ी अच्छी उनकी मेहमान नवाजी की, और बावजूद इसके कि बहुत सारे अफगान महाजरीन जो हैं वो यहाँ जुराइम का हिस्सा बने रहे और जो दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे, उनके मावनकार दहशतगर्द जो अफगानिस्तान से आए वो भी बने, सहूलतकार बने, मैं इन सारी चीज़ों को हमने बर्दाश्त किया। अब जब हम हकीकत की हैं कि हम इनको मजीद
एक अपने ऊपर बोझ बनाकर नहीं रख सकते, तो अफगानिस्तान का फर्ज बनता है कि वो वापस लेकर जाए। मगर दुख हमें इस बात का है कि जब हम इस तरह की बात करते हैं, शायद लतीफ साहब बात समझ में आनी चाहिए ना, महमूद अचकज़ई साहब असल बात अफगान असल बात में यही इतनी मोहब्बत क्यों जागरी है, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया कि उन्हें यहीं पर रहना चाहिए। मुझे इस पर भी बात करनी है, इस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन एक छोटे से वक्त के बाद Waves introducing Triplet Plus, दो refrigerators की गुंजाइश वाला Triplet Plus. Waves नाम ही काफी है। Huawei Y32 Rainbow Light के साथ 1GB RAM and 8GB ROM. Huawei Y32 सिर्फ 9,799 में। इस्लामी बैंककारी में सेविंग्स अकाउंट के मामले किस तरह तय किए जाते हैं? इस्लामी बैंकों में जो आम अकाउंट होल्डर अपना पैसा जमा करते हैं वो मुजारबत की बुनियाद पर जमा करते हैं, और ये अकाउंट होल्डर्स का पैसा एक पूल में आता है और उससे आगे बैंक कारोबार करता है। कारोबार में जो मुनाफा उसे होता है तो वो अकाउंट होल्डर के लिए पहले से तयशुदा मुनाफे के तनासुब के मुताबिक उनका हिस्सा उनके अकाउंट में मुंतकिल करता है, और जो बैंक का हिस्सा होता है वो बैंक की तरफ जाता है। दिल का इत्मीनान, इस्लामिक बैंकिंग। पाकिस्तान भर में स्टेट बैंक से मंजूर शुदा इस्लामिक बैंकिंग की 2000 से ज्यादा शाखें आपकी खिदमत और रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। Huawei Y32 रेनबो लाइट के साथ 1GB RAM एंड 8GB ROM। Huawei Y32 सिर्फ 9,799 में। किसान पक्का रोजाना जीत का मजा, पाकिस्तान में पहली मरतबा ढेरों कीमती इनामात, 2.5 किलो घी और 3 और 5 किलो कुकिंग ऑयल पर जीते होंडा सिविक और टोयोटा कोरोला कारें। इसके अलावा किसान की किसी भी 1 लीटर या किलो कुकिंग ऑयल या घी के पैक पर जीते सुजुकी मेहरान, मोटरसाइकिल्स, LED टीवी और ढेरों कीमती इनामात जीतने के लिए आज ही अपना कूपन दुकानदार से लेना मत भूलें। खाने का बहाना दे जीत का मजा रोजाना। इनाम निकलने की सूरत में कूपन पर दिए गए फोन नंबर पर रابطہ करें। क्या आपको चाहिए दिल का इत्मीनान? तो आइए अहद करें सूद से पाक जिंदगी का। इंतखाब कीजिए इस्लामिक बैंकिंग का। इस्लामिक बैंकिंग नाम है इस्लामी उसूलों के मुताबिक माली जरूरियात पूरी करने, अपना पैसा जायज कारोबारी सरगर्मियों में लगाने और सूद से पाक मुनाफा कमाने का। दिल का इत्मीनान, इस्लामिक बैंकिंग। पाकिस्तान भर में स्टेट बैंक से मंजूर शुदा इस्लामिक बैंकिंग की 2000 से ज्यादा शाखें आपकी खिदमत और रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। Huawei Y32 रेनबो लाइट के साथ 1GB RAM एंड 8GB ROM। Huawei Y32 सिर्फ 9,799 में। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वफाकी वजीर सैफरान अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर बलोच साहब। पाकिस्तान में एक तबका ऐसा मौजूद है जो इस हक में है कि अफगान मुहाजरीन को पाकिस्तान की शहरें देकर यहीं रखा जाए, क्योंकि वो पिछली 4 दहाइयों से यहां पर बस रहे हैं, यहां से उनका रोजगार जुड़ा है। आप महमूद अचकज़ई साहब के बयान को ही देख लीजिए, केपी के हुकूमत उन्हें अपने ऊपर एक बोझ समझती है। वफाकी हुकूमत ने उनके क्याम में 6 माह की तौसीक कर दी है। ये अफगान मुहाजरीन की वापसी का मसला हल कैसे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी बात यह है कि जहां तक मुहाजरीन का ताल्लुक है, जिस वक्त उनकी कैटेगरी मुहाजरीन की रहती है तो उनको अपने पॉपुलेशन के अंदर अब्जॉर्ब करने की कानूनी गुंजाइश नहीं होती है। मुहाजिर चाहे जितना अरसा भी रहे, मुहाजिर होता है और उन्होंने अपने मुल्क में जाना होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये 30 लाख के करीब है, 50 लाख से शुरू हुए थे, 20 लाख के करीब वापस जा चुके हैं। 30 लाख की लोगों को यहाँ पर अब्जॉर्ब कर लेना, हमारी इकॉनमी में इतनी गुंजाइश नहीं है कि इनको अब्जॉर्ब कर सके, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि हमारे मुल्की कवानीन इस बात की इजाजत नहीं देते हैं। कई मुल्कों में ड्यूअल सिटीजनशिप की गुंजाइश होती है, कई मुल्कों में यह कानून भी होता है कि
کوئی آدمی اگر اس ملک میں اس کی پیدائش ہو تو ان کا حق بن جاتا ہے جس طرح یو کے ہے، یو ایس اے وغیرہ میں. ہمارے ملک میں اس قسم کا کوئی قانون نہیں ہے. کوئی بھی آدمی اگر ایلین ہے، کسی اور ملک سے اس کا تعلق ہے، وہ غیر ملکی رہتا ہے. ہمارے قوانین اس بات کی گنجائش نہیں دیتے، اس کی جو ہے نا گنجائش نہیں ہے. اور پھر ہمارے ساتھ یونائیٹڈ نیشن کی اور افغان گورنمنٹ کی یہ کمٹمنٹ تھی کہ وہ ان کو واپس لے جائیں گے، ان کو یا ابزارو کر لینا، ہمارے معاشرے کا حصہ بنا لینا پاکستانی، اس کی گنجائش نہیں ہے اور نہ اس قسم کے ٹریٹمنٹ ان سے کی گئی ہے. رہ گیا جہاں تک خان صاحب کی بات کا، ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے، وہ افغان قوم سے، افغان قوم سے ایک تعلق اور ایک اس کا ویو پوائنٹ ہے. وہ ان کا سیاسی ویو پوائنٹ ہے، ان کا اپنا ذاتی ہے، لیکن وہ بھی پختون ہے. لیکن ان کی ہمدردیاں تو پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے نا، پاکستانی سرزمین کے ساتھ ہونی چاہیے، پاکستانی وسائل. وہ پاکستانی ہیں، اس کو اتنا اچھا محب وطن پاکستانی سمجھتے ہیں جتنا میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. ان کے ویو پوائنٹ کے ساتھ میں بغیر کمنٹ کیے اس کو وہیں پر چھوڑ دوں گا، کیونکہ بلوچستان میں وہ ہمارے ایل آئیز ہیں اور حکومت کا حصہ ہے یہاں پر بھی ہماری حکومت. اچھا، 6 ماہ کی وفاقی حکومت نے افغان مہاجرین کے قیام میں توسیع کی ہے، تو 6 ماہ کے بعد آپ سمجھتے ہیں وہ واپس چلے جائیں گے؟ آپ لوگ کیا ایسے اقدامات کریں گے 6 مہینے کے بعد کہ وہ آسانی سے واپس چلے جائیں، جن کا روزگار جڑا ہے، جو 4 دہائیوں سے یہاں پر بس رہے ہیں؟ یا افغان حکومت کے ساتھ آپ لوگوں کی جو بات چیت ہوگی، افغان حکومت کو اقدامات کرے گی انہیں واپس لے جانے کے لیے؟ جی جی بالکل، بی بی آپ نے صحیح کہا. افغان حکومت نے کافی کچھ کرنا تھا افغانستان میں، جس کی بنیاد کے اوپر ان کی اینکرنگ وہاں پاسبل ہوتا، ان کے اوپر پل کاز ہونا تھا، اس طرف کھینچے چلے جاتے. انہوں نے ہمارے ساتھ بڑے کمٹمنٹس کیے، انہوں نے کہا ہم ہاؤسنگ اسکیمز وہاں پر بنائیں گے، ہیلتھ کی فیسلٹیز، ایجوکیشن کی فیسلٹیز، واٹر سپلائی کا کریں گے، لینڈ لیولنگ کریں گے، ٹیوب ویل سنک کریں گے، اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جابز وہاں پر 10% ان کے لیے کریں گے. یہ کمٹمنٹ پچھلے 2 سال سے وہ کیے جا رہے ہیں، یہ صرف زبانی جمع خرچے، گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہوا ہے. تو اس وجہ سے ان کی پہلی ڈیڈ لائن جو تھی 31 دسمبر 2015 تھا، وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد 6 مہینے کی ایکسٹینشن، پھر 6 مہینے کی ایکسٹینشن ہم دیے جا رہے ہیں ان کو. لیکن ابھی ہم یہی ہے، ان کا وزیر آ رہا ہے ہمارے پاس 19 جولائی کو. اس کے بعد جو اور کتنے 6 مہینے چلیں گے، یا کابل کی مرضی کے بغیر ہی ہمیں واپس بھیجنا پڑے گا؟ ایک منٹ تو یہ وہ آئیں گے، ان کے اوپر ایمفسائز کریں گے کہ آن گراؤنڈ کچھ کریں اور اپنے لوگوں کو. ہماری اب تک کمٹمنٹ یہ ہے کہ والنٹری طور پر ان کو رضاکانہ طور پر واپس بھیجیں گے، عزت کے ساتھ واپس بھیجیں گے. یہ ایک کمٹمنٹ 2009 میں ہم نے کی تھی، انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے. اور اگر وہاں وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اس کمٹمنٹ سے بھی نکلنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد جو بھی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں اختیار کریں گے. یہ یقینی، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ بوجھ جو مزید برداشت ہونے کے قابل نہیں ہے، اس کو اتارا جائے اور ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی. آپ کی باتوں سے تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ شاید ہمیں زبردستی ہی بھیجنا پڑے، کیونکہ 2009 سے ہماری کمٹمنٹ اور کابل نے کبھی بھی اس پر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. ابھی اس سٹیج کے اوپر یہ زبردستی والے لفظ میں استعمال نہیں کروں گا. میں یہی کروں گا کہ ہم افغان گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہیں گے وہ درمیان میں آ جائیں، اور اپنے طور پر بھی، اپنے سیاسی طور پر بھی کوشش کریں کہ ایسا پریشر بلڈ کریں کہ یہ والنٹرلی رضاکارہ طور پر واپس چلے جائیں. اگر نہیں گئے تو پھر میل بیٹھنا پڑے گا، سر جوڑنے پڑے گے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھی جانا پڑے گا، افغان گورنمنٹ سے بھی بات کرنی پڑے گی، اور وہ جو شک ہے رضاکارہ طور پر واپسی والا، اس سے پھر ہمیں نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ عبد القادر بلوچ صاحب. ہلالی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی، 2 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کبھی نہیں واپس جائیں گے، اس لیے کہ سیکیورٹی سچویشن ادھر خدا جانے کب ٹھیک ہوگا. اور دوسری بات ہے، افغان کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. افغانستان جی ایک سٹیٹ نہیں رہا، افغانستان بڑے حصے میں بٹ گیا ہے. 50% جو ملک ہے وہ تو گورنمنٹ آف کابل کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، وہ طالبان کے ہاتھ میں ہے. تو ادھر یہ کبھی ایسے سچویشن نہیں آئے گا کہ یہ والنٹیرلی واپس جائیں. چلو اگر ہم نے ان کو فوسبلی نہیں بھیج سکتے ہیں تو کم سے کم ہم ان کو ٹھیک سے نگاہ تو رکھیں ان کے. اس وقت رور، این ڈی ایس اور ہر قسم کی آرگنائزیشنز جو ہیں، آئی ایس، یہ سب مل کے ریکروٹ کر رہے ہیں یہ ریفیوجیز کو، اور آدھا جو ادھر یہ ہو رہا ہے ٹیررزم پاکستان میں، یہ ان کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، نمبر ون. دوسری بات ہے، تو چلو ایران کے طرح کم سے کم آپ ان کو کیمپس میں رکھیں، ان کو پولیس کریں، ان کو ہر جگہ گھومنے نہیں دے. اور ہاں، اگر آپ کو ایک اسپیشل سلے بھی کرنا پڑتا ہے پاکستانیوں پہ کہ ہم ان بھائیوں کو کھانا بھیجیں تو کریں،
बस इसलिए कि ये जो तरीका है आप उनको बिल्कुल खुला छोड़ दिया है, जिधर भी वो जा सकते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन सकते हैं, कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के अंदर जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं, इसलिए नहीं। लेकिन क्या लाखों की तादाद में 30 लाख उन्होंने बताया, इतनी तादाद में शाहिद लतीफ साहब मौजूद है यहाँ पर, क्या इतने लाखों की तादाद में जो अफगान मुहाजरीन पर नजर रखना क्या मुमकिन है? देखिए, मैं पहले वो जो आपने पिछला सवाल था मुकम्मल नहीं किया, फिर कादर साहब आ गए तो आपने उनसे बातचीत शुरू कर दी। पहली बात तो ये कि मैं स्टेटमेंट वो जो आई है महमूद अचकज़ई साहब की उस पे मैं कमेंट करना चाहूँगा। देखें, अभी कादर साहब भी आए तो वो बड़ी आसानी से, चूंकि उनके वो हलीफ हैं, इत्तेहादी हैं, उन्होंने इस बात को बोल कर दिया क्योंकि वो अलायज हैं उनके वहां पर। ये और कमेंट के अलावा उन्होंने कहा, आम सी बात कर दी कि ये व्यू पॉइंट है। ये कैसा व्यू पॉइंट है? मैं समझता हूँ ये बड़ी संगीन किस्म की स्टेटमेंट है, ये कोई आम व्यू पॉइंट नहीं है। यानी इस मुल्क के शहरी होते हुए, पार्लियामेंटेरियन होते हुए, उनके अपने रिश्तेदार बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं, ये सब इस मुल्क की देन है ना। अच्छा, फिर पाकिस्तान का स्टांस क्या है? यानी हमारा स्टैंड, कादर साहब को यह भी कमेंट करना चाहिए था कि हुकूमत का जो स्टैंड है, अगर वो उसके उलट बात करें तो फिर भी वो उसको सपोर्ट करेंगे, जो रियासत का स्टैंड है उसके उलट बात करें तब भी उसको सपोर्ट करेंगे, उन लोगों के हाथ मजबूत करें जो वहां शह देते हैं इन चीजों को, जिसके तहत आपने देखा पिछले दिनों तोरखम बॉर्डर पे हमारे साथ क्या हुआ। वो यही वजह है ना, ड्यूरेंट लाइन का मसला है, ये 200 साल पुराना किस्सा है जिसकी वो बात कर रहे हैं। उसके बाद सिख आए, अंग्रेज आए, फिर पाकिस्तान बना, और इसके ऊपर हमारी हमारी जो है मुआहदात हैं जिसके तहत हमने ड्यूरेंट लाइन को माना कि हाँ ये बॉर्डर है, और उसके तहत बैन अल-अक़वामी लेवल पर भी इसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर माना जा चुका है। और फिर हामिद करज़ई साहब जैसे लोग और उससे पहले दो चार हुकूमतें ऐसी आईं जिन्होंने ये झगड़ा खड़ा कर दिया। तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट आएगी तो आप तो उन लोगों के हाथ मजबूत कर रहे हैं ना। यानी पहले हम हामिद करज़ई जैसे सदर को भुगतते रहे, अब इस तरह के हमारी पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग इस तरह की अगर स्टेटमेंट्स देंगे तो पाकिस्तान का स्टांस, और फिर हम एक तरफ से बॉर्डर मैनेजमेंट करने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं जी कि ये खैबर पख्तूनख्वा जो है ये तो अफगानियों का इलाका है। यानी इससे बढ़ के भी कोई संगीन बयान आप दे सकते हैं? मैं समझता हूँ बजाय इसके बगैर भी मुहाजिरीन को वापस भेजना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, वापस भेज देना चाहिए। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को यह फैसला करना होगा, और ये इन चीजों से हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट देखिए, और ये बिल्कुल हम सब जानते हैं। ये पिछले दिनों एनडीएस का मामला देख लीजिए, बलूचिस्तान में उनका एक पूरा नेटवर्क पकड़ा गया, एक तरफ इंडिया का नेटवर्क पकड़ा गया कुलभूषण यादव, दूसरी तरफ अफगानिस्तान का नेटवर्क पकड़ा गया। तो जो हालात इस वक्त हमारे पैदा हो गए जिसके तहत पाकिस्तान इतनी मुश्किल में घिर गया है, तो हमने तो उनके साथ एक बड़ा अच्छा सुलूक किया था, तो उसका नतीजा क्या ये निकलना चाहिए था? मैं समझता हूं कि हमें फैसला करना चाहिए और उनके साथ मिलकर ये बात करनी चाहिए कि अब हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। आप अपने मुल्क में, जैसे कादर साहब ने ये बात ठीक की, उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर उनका स्टेटस महाजरीन का है, वो पाकिस्तान के शहरी कभी भी नहीं हो सकते। तो 3 दहाइयों से हम उन्हें लेकर बैठे हुए हैं, अब अफगानिस्तान वापस अपने नॉर्मल हालात की तरफ जा रहा है, वो उनको वापस लें। जो उनके मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, वो उनकी हुकूमत का फर्ज बनता है कि उनको हल करे, उनकी वजह से हमारे मसाइल में इजाफा ना करें, हमारी मुश्किलात में इजाफा ना करें। यानी हमें अपने मफादात को देखना है, और जहां तक इस तरह के बयानात हैं, मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में बाकायदा अपोजिशन की तरफ से सवाल उठना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि हुकूमत के जिम्मेदार अफराद उठ के खड़े हों और कहें जी एक उनका व्यू पॉइंट है और इसको लाइटली आप लें। वहां सवाल होना चाहिए कि आपने क्या मुल्क के जो मफाद हैं उसको मद्देनजर रखा, जो हमारा स्टैंड है उसको मद्देनजर रखा। अब ये जो इन्होंने बात की है इसको दूसरी दुनिया कोट करना शुरू कर देगी, तो आपकी पोजीशन वीक हुई ना। तो क्या इसका मतलब मगरिब के खदशात दुरुस्त हैं कि अगर बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे कर सकेंगे, ना भेजा गया तो शायद ये मगरिब का रुख कर लें। और दूसरा तासुर ये भी दिया जा रहा है कि अगर अफगान मुहाजिरीन को जबरदस्ती वापस भेजने की कोशिश की तो वो मुहाजिरीन जिन्हें हमने 30-35 साल जिनकी मेजबानी की है, जिन्हें बाइज्जत तरीके से यहाँ पर रखा है, कहीं वो कल को हमारे दुश्मन न बन जाए, इस पर भी बात करेंगे। एक छोटे से वक्त हमारे साथ रहे।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद जफर इलाली साहब, मगरिब में ही आखिर खदशात क्यों पैदा हो रहे हैं कि अफगान मुहाजरीन को अगर दोबारा वापस अफगानिस्तान ना भेजा गया तो वो मगरिब का रुख कर लेंगे? हाँ बिल्कुल है, मगरिब का रुख वो क्या करेंगे, अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी जिधर सिचुएशन बहुत बेहतर है पाकिस्तान में, वो भी जा रहे हैं मगरिब को। हाँ ये उनका सेल्फिश एक रीज़न हो सकता है, मगर मैं समझता हूँ जी कि हमें ये सोचना और ये बात करना कि पॉसिबली हम किसी को रिपैट्रिएट करेंगे और ख़ास तौर अफगान, तो ये जो आपने बात कहा था ना कि हम दुश्मनी फिर उनकी खरीदेंगे, मेरे ख्याल में ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट होगा अगर हमने ये किया, ये मान जाना चाहिए। मगर साथ साथ हमें ये देखिए, अब UNHCR ने अलाउंस फॉर रिपैट्रिएशन $200 से $400 किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। 58,000 लोग अगले साल वापस गए थे, अफगान रेफ्यूजीज 58,000 वापस गए थे 60,000 के लगभग। इस साल सुना है सिर्फ 3,800 जाना चाहते हैं, हालांकि ये पैसे बढ़ गए इसलिए कि जी देखिए क्या करेंगे आप उनको उधर भेज के, उनके पास ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना नौकरी है, उनके लिए तो एक किस्म का डेथ सेंटेंस है। अब हमें यह सोचना चाहिए कि कितना जल्दी, लेकिन हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि हमारे पास इतने वसाइल हैं जो हम उन लोगों को पूरा कर सकें, खासकर केपीको को देखें आप, केपीको को ज्यादा खर्चा है हमारे पास वसाइल नहीं, सही कह रही हैं आप, मगर हमारे पास वसाइल नहीं है, मगर इतना स्टॉक चॉइस तो नहीं है कि हमारे लोग मर रहे हैं और उनके लोग मर रहे हैं और हम उनके लोगों को कह रहे हैं मरो ठीक है, ये इतना स्टॉक चॉइस नहीं है। और पूरी दुनिया को कन्विंस करना कि ये लोग जो अगर वो उनको हम जो उनको फेंक रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, अगर ये हम करें तो उनको क्या उनका हालत होगा। देखिए ये वेस्टर्न कंट्रीज क्या करते हैं, उनको ड्राउन करने देते हैं मेडिटेरेनियन में, एक जमाने में कहते थे हाँ लेट देम ड्राउन, डूबने दो उनको जो आ रहे हैं, मगर क्या रिएक्शन हुआ मुल्क के अंदर, क्या रिएक्शन हुआ यूरोप में, अब उनको वो पना देते हैं, उनको वो रेस्क्यू करते हैं, उनको डिस्करेज जरूर करते हैं मगर रेस्क्यू करते हैं और हाउस करते हैं और फीड करते हैं, ये तो इनह्यूमन है। आखिर कब तक, सवाल तो ये ना जफर लाली साहब, आखिर कब तक, जितने भी रेफ्यूजीज हैं इन्हें एक ना एक दिन तो अपने वतन वापस जाना ही होता है। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और मेरे ख्याल में उस वक्त तक ये मामला होगा अफगानिस्तान में जब तक अमरीकन अपने 10,000 लोगों को वापस ना निकालें और जब तक अफगानिस्तान में एज दे कहते हैं अंग्रेजी में लेट द डस्ट सेटल वेयर इट विल, माने कि अफगानिस्तान में मसला हल क्या है, मसला हल ये नहीं है कि अमेरिका से आप लोगों को ले आए, 10,000 ट्रूप्स अपने रखें और पूरी और फॉर एवर वो मुल्क अनस्टेबल रहे, बिकॉज इसलिए जब तक वो अमेरिकन उधर होंगे इधर कोई पीस नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं हमें सोचना चाहिए कि हमारी भी पॉलिसी जो है ना, ये कहते हैं कि हम इसके साथ लड़ेंगे अमेरिकन के कहने पर उसके साथ लड़ेंगे, गलत पॉलिसी है। हम वो पॉलिसी को इख्तियार करना चाहिए जो जल्द से जल्द उधर फैसला हो और अमन आए, ठीक है। इसलिए हम लोग नहीं चाहते तालिबान को, मगर अगर तालिबान के पास इतनी कुव्वत है कि वो अफगानिस्तान में अपनी हुक्म लगा सकते हैं तो व्हाई शुड वी स्टॉप इट, हम क्यों रोकें। शाहिद लतीफ साहब, इस टॉपिक के हवाले से मेरा आपसे आखिरी सवाल, क्या आखिर अफगान हुकूमत अफगान मुहाजरीन को वापस ले जाने में संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं कर रही जबकि पाकिस्तान की कमिटमेंट 2009 से शुरू हो चुकी है? देखें, मैं इस बात से इतफाक करता हूं कि उनके हालात भी ऐसे नहीं हैं कि इन लोगों को वो वहाँ एब्जॉर्ब कर सकें और इन लोगों को नौकरियां दे सकें। जो महाजरीन हैं उनको जब तक आप वहाँ सेटल नहीं कर सकते आप इनको ले जाकर क्या करेंगे, तो उनकी उनकी मुश्किलात अपनी जगह हैं, मगर हमने देखना यह है कि क्या अफगानिस्तान इन मुश्किलात को तय करने में हमारा साथ दे रहा है। आपको याद होगा कि जब अशरफ गनी ने हुकूमत टेक ओवर की तो शुरू शुरू में उनकी तरफ से जो सिग्नल्स आए वो तो बड़े पॉजिटिव थे, मस्बत थे कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगान मामलात जो हैं उनको सुलझाना चाहते हैं, मगर वक्त के साथ साथ क्या हुआ, हमने देखा कि अब वो फिर से जो इर्द गिर्द की कुव्वतें हैं उनके नरगे में आ चुके हैं और वो पाकिस्तान का साथ उस तरह देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने तो एक पहला राउंड भी करा दिया टॉक्स का, मुजाकरात का, जो कि अमरीका वहां 10 साल रहा और ना करवा सका। अब पाकिस्तान के साथ क्या किया जा रहा है, यानी अगर अफगान हुकूमत पाकिस्तान का साथ नहीं देती, अगर हम इस चीज में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं कि हम अफगानियों के साथ मिलकर
उनके मुल्क के हालात में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं कि हालात वहां बेहतर हो जाएं, और तालिबान पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए हमने तो बकायदा पहला राउंड भी करवा दिया। अब जब दूसरा राउंड इस जुलाई के एंड पे होने जा रहा था तो आपने देखा कि मुल्ला अख्तर को हलाक कर दिया गया। ये कौन, ये जी ड्रोन अटैक की मैं बात कर रहा हूं। तो जब इस तरह के मामलात होने लगे और हमारे जो एफर्ट्स हैं उनको इस तरह डीरेल कर दिया जाए तो हम कहां जाएं? तो हमारे तो शिकवे अफगान हुकूमत से भी बनते हैं ना, क्या वो सीरियस हैं? हमें इन्वॉल्व करके मामलात को आगे ले जाने में क्या अमरीका इस मामले में सीरियस है? ये मामला पेचीदा है। मैं मानता हूं कि अफगान महाजरीन जो है वो यहां नहीं रह सकते, उन्हें हर सूरत जाना है, मगर जाने का तरीका भी हमें इस तरह का अपनाना होगा कि पूरी दुनिया हमें मलामत ना करे और भेजते हुए भी हमें ये ना हो कि जैसे हम उनको धकेल रहे हैं। आफ्टर ऑल 3 दहाइयां वो हमारे मेहमान रहे, हम एक तरीके से उनको भेजना चाहते हैं और उसमें अफगान हुकूमत का पाकिस्तान का साथ देना बहुत जरूरी है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अफगानिस्तान की हुकूमत हमारा साथ दे, हम उनके साथ कोऑपरेट करें। अमेरिका का वहां वो रोल हरगिज नहीं बनता जिसके तहत जब भी मुजाकरात आगे चलने लगते हैं और वो उसको डीरेल कर देते हैं। तो ये चीजें हैं, इनको हल किया जाना चाहिए। हमें चीन को, रूस को, जो इस खत्ते की बहुत बड़ी ताकतें हैं, साथ में लाना चाहिए। इस खत्ते के मामला हमें टेक ओवर करने चाहिए। अमेरिका इस खत्ते में वो रोल अदा नहीं कर सकता जो खत्ते की बड़ी ताकतें कर सकती हैं। दहशतगर्दी और इस खत्ते में जो इंतशार है वो चीन और रूस को भी अफेक्ट करता है। हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना है। हम ये सोल्यूशन ढूंढे, अफगानिस्तान हमारे साथ कोऑपरेट करे, इंडिया और अमरीका के नरगे में आकर ये हालात अपने भी खराब अगर वो करना चाहे और हमारे साथ भी मजीद हालात बिगाड़ ले तो फिर तो अफगानिस्तान ने जो बयान दिया है कि ओबामा इंतजामिया नाकाम रही अफगानिस्तान में, डायरेक्टली उन्होंने एतराफ कर लिया कि अफगानिस्तान में अमरीका नाकाम हो गया, अमरीका को शिकस्त हो गई, तो इन्हें वापस नहीं चले जाना चाहिए वहां से? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इस बयान के ऊपर यह अलहदा बात है कि उन्होंने जो अगली बात की कि जी हमें वहां पे अब अपना कंसोलिडेट करना चाहिए, शायद वो ये बात करना चाह रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस वो रिपब्लिकन पार्टी है ना, तो वो उस सूरत में उस तरह का बयान जो वो दे रहे हैं उसकी नौयत इस तरह की है कि जैसे पेंटागन ने टेक ओवर कर लिया है और वहां पर और ट्रुप्स रखे जाए, कंसॉलिडेट किया जाए। वो अभी भी ये बात कर रहे हैं कि ताकत के जरिए हम अपनी पावर को वहां कंसॉलिडेट करें। वो इस तरह कह रहे हैं कि ओबामा की हुकूमत ये सारी चीजें करने में नाकाम रही। तो मैं उनके पार्ट टू से इत्तफाक नहीं करता। जहां तक पार्ट वन का ताल्लुक है, ओबामा जो एज प्रेसिडेंट और फिर इस वक्त चूंकि पेंटागन बीच में आ गई, तो मैं समझता हूं ये जो अटैक हुआ है ये पेंटागन और इंटेलिजेंस है जिसने मिलकर ये काम किया ताकि ये जो मुजाकरात पाकिस्तान करवाने जा रहा है इसमें कामयाबी ना हो। तो ये एक इस तरह की सियासत चल रही है। हमें इन सारी चीजों में मिलकर, जैसे मैंने कहा, चीन और रूस को साथ मिलाकर इस खित्ते के सोल्यूशन ढूंढने हैं जिसके तहत मैं समझता हूं कि अमन और इस्तेकाम अफगानिस्तान में आएगा, रिफ्यूजीज वापस जा सकेंगे, पाकिस्तान में अमन इस्तेकाम आएगा और यू इंडिया और अमरीका के जो अजाइम है उनमें उनको नाकाम हम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे ब्रेक लेने वक्त एक ब्रेक का वापस आते, छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नरेंद्र मोदी का ये कहना कि पाकिस्तान में बयक वक्त कई ताकतें काम कर रही हैं, इसलिए मुजाकरात करते वक्त उन्हें देखना पड़ता है कि आखिर मुजाकरात किस से करें, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है। जफर इलाली साहब, क्या तासुर देने की कोशिश की है मोदी साहब ने? ये देखिए, इसके लिए, ये स्टेटमेंट के लिए 3 वजूहात हैं और इस स्टेटमेंट के 3 वजूहात देने के पहले मैं जल्दी से इसका हिस्ट्री देता हूं। 1989 में जब राजीव गांधी इधर आया था, बीबी के साथ बैठ के उन्होंने सियाचिन पे एक अग्रीमेंट को इनिशियल किया था, साइन किया था। साइन करने के बाद बड़ी खुशी हुई सबको कि भाई सियाचिन मामला हल हो गया। जैसे वापस गया, इंडियन आर्मी ने इसे कहा कि ये आपने क्या किया है, और बीबी को उसको फोन करके कहना पड़ा कि माफ करिए, मैं देखिए मैं जब वापस आया हूं मेरी फौज ने कहा है कि ये इसको बेकार है और वो इंप्लीमेंट नहीं करने दे रहे हैं, तो माफ करिए मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता हूं। ये है हिंदुस्तान, ये है द ग्रेट डेमोक्रेसी जिसका प्राइम मिनिस्टर आके साइन करता है मगर जब वापस जाता है फौज कहती है इसको खत्म करो। दूसरी बात यह है, जब मुशर्रफ था आपको याद होगा वो कह रहे थे कि क्या फायदा यार मुशर्रफ के साथ अग्रीमेंट करना, इसलिए कि वो अनइलेक्टेड आदमी है, सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है, क्या पता क्या होगा, बेहतर है हम एक इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट के लिए ठहरें। जब नवाज शरीफ साहब आ गए तो वो कहते हैं जी क्या फायदा ये सिविलियन गवर्नमेंट के साथ साइन करने, इनके पास कोई खास पावर नहीं है।
तो क्या करें भाई, बैठे कब तक? एक और कू हुआ पाकिस्तान में। देखिए ये क्यों कर रहा है, मैं आपको बताता हूं, तीन रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है, कह रही है बात करो पाकिस्तान के साथ। क्यों नहीं तुम बात करते हो पाकिस्तान के साथ, सब मामले पे बात करो, खासकर कश्मीर। और ये कहता है नहीं, और खासकर सब मामले, व्हेन आई से ऑल आई मीन ऑल, तो उस पर भी बात करो। तो ये कहता है, ये उनको कहना चाहता है हाँ मगर मैं किससे बात करूं। एक दूसरी बात, इसके जो एक्चुअली इसके पीछे कौन है, मूडी के पीछे कौन है, मूडी के पीछे आरएसएस है, आरएसएस मेंटर्स हैं। ये जो लोग हैं जिनका ये पांव पकड़ता है, पांव पे गिरता है, ये कभी इलेक्ट नहीं हो सकते हिंदुस्तान में, मगर ये डोमिनेट और कंट्रोल करते हैं। जैसे ठाकरे जो था वो भी पूरे बंबई को वो कंट्रोल करता था। अब ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान के साथ नहीं चाहते अमन हो, ये समझते हैं पाकिस्तान इतना कमजोर है कि पाकिस्तान के साथ एंटी ऐसी पॉलिसी रख के हम शायद खत्म। और तीसरी वजह ये है उसके साथ कि जब बात करने के वक्त आएगा भाई किस पे बात करेंगे, हम कश्मीर पे भी तो बात करेंगे, इसलिए तो हमने कह दिया है कि बगैर कश्मीर कुछ नहीं, मगर जब कश्मीर पे बात आएगी तो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेरर की बात आ रही है जो आज हो रहा है, कल हुआ, ये जो लोग मारे जा रहे हैं इनके हाथ से, दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर बाय इंडिया, वो भी आगे आएगा, तो इनको सूट ही नहीं करता है कि हमारे साथ। इसका मतलब ये हुआ शाहिद लतीफ साहब मुज़ाकरात से भागने के लिए उज़र तराश रहा है भारत। जी बिल्कुल, देखें मुज़ाकरात जो हैं वो जब भी हमने शुरू किए, मुज़ाकरात को तोड़ने में पहल किसने की, इंडिया ने की ना। आप पूरी तारीख ले लें, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग, कॉम्पोजिट डायलॉग जिसका नाम बदल के अब कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया गया, और उसमें उसकी जब भी इब्तदा हुई उसकी दरमियान में उसको रोकना, दरमियान में इस पूरे पूरे प्रोसेस को तोड़ देना, ये तो इंडिया ने किया। ये तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि वो मुज़ाकरात में इसलिए नहीं बैठना चाहते कि मुज़ाकरात में जो भी बातचीत होगी उसका उनके पास जवाब नहीं है। सबसे बड़ा मसला कश्मीर का है, सियाचिन का मसला है, पानी का मसला है, उसको हल करने के लिए वो तैयार नहीं। और खासकर जो कश्मीर है वो तो हमने उसको कोर इश्यू डिक्लेयर किया हुआ है। उनकी पूरी तगोदौ ये है कि बस इन सारे मसाइल को साइड पे रखो और तजारत की बात करो, जिसके जरिए वो अपने फायदे ढूंढ रहे हैं, यानी उनको इधर से पैसे चाहिए कि किसी तरह वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक पहुंच जाएं। आज भी जो कुछ वो कर रहे हैं वो मतबादल तरीके अख्तियार कर रहे हैं, जो चाबहार में इतनी सारी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, इससे उनके अजायम खुल के सामने आ गए ना, कि उनका मकसद सिर्फ एक है। अगर अमेरिका भी वहां आया है तो वो भी एक मार्केट के तौर पे उनको इस्तेमाल करने के लिए आया है, उसमें उनका अपना फायदा है। और दूसरा फायदा उनका ये है कि इनको एक इतनी ताकत बना दी जाए कि काउंटर चाइना के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये दुनिया जो है ये अपने मफादात की दुनिया है, यानी अमरीका सबसे बड़ा जो कहता है कि सिर्फ मफादात मुस्तकिल है। पहले जो लाहौर आए थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के पास, तब फिर वो क्या करने आए थे, तब क्या लेने आए थे? देखें जी ये सब दिखलावे की बातें हैं, बगल में छुरी मुंह पे राम राम, ये हिंदू मेंटेलिटी है, ये हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट तो इन्होंने खुल कर सरेआम अब सारी दुनिया के सामने रख दिया है ना। ये सेकुलर स्टेट वेट की बातें उनके अपने लोग जो हैं वो बाहर निकल आए, और निकल के उन्होंने अपने जो मेडल्स हैं वो रिटर्न करने के लिए एक मूव चला दी। ये क्या था, ये उनकी रिएक्शन थी, एहतजाज था, यानी वहां पे जो अकलियतें हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, आरएसएस जितनी इस वक्त एक्टिव है उनको कुछ नहीं कहा जाता, उनकी पुष्ट पनाही की जाती है। हमारे जो कुछ पाकिस्तानी वन बाय वन वहां गए और उनके साथ जो वहां पे सलूक हुआ, कौन सी अकलियत है इस वक्त हिंदुस्तान में जो महफूज है, पूरी दुनिया इसका नोटिस ले रही है। तो ये चीजें वो हैं जिसके तहत इंडिया और खासकर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो एक आइसोलेटेड पोजीशन में जा रहा था, खासकर आज से कुछ 4-5 महीने पहले जब आपने देखा कि उसने लाहौर का दौरा किया, ये वही वक्त था, फिर से उनका डायलॉग याद आ गया। मगर जू ही हालात थोड़े से बेहतर हुए, आज आप देखिए पूरी दुनिया का वो टूर कर रहा है, आपके इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, आपके दोस्त ममालिक, आपके हमसाया ममालिक जो दराज से आपके दोस्त में शमूलियत के लिए किया था, जो उसका मकसद पूरा नहीं हो सका। जी एनएसजी की भी शमूलियत है, फिर अमेरिका में खड़े होके फिर से दहशतगर्दी का डंडोरा पीटना, पाकिस्तान को याद कराना, अमेरिका फिर से डूम ओर की बातें उसने शुरू कर दी, हकानी ग्रुप और इस तरह की बातें, जबकि इससे पहले जब हमने नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन किया तो अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक की तरफ से हमें उसको एक्नॉलेज किया गया और कहा
کہ ہم نے یہ بلا امتیاز آپریشن کیا ہے. شاہد لطیف صاحب نفیس زکریا ترجمان خارجہ ٹیلی فون لائن پر انہوں نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ نفیس زکریا صاحب. مودی صاحب کے بیان کی ہم بات کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ مذاکرات کس سے کے ساتھ کریں, کیونکہ پاکستان میں بیک وقت بہت سی طاقتیں کام کر رہی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیوں یہ کیا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اگر بھارت اس طرح کی بات کر رہا ہے تو کیا یہ مذاکرات سے بھاگنے کے لیے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے اس سلسلے میں عرض کیا تھا اپنے بریفنگ میں بھی, آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جی پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, پاکستان میں ہم جو بھی اس وقت گورنمنٹ ہے وہ منتخب گورنمنٹ ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. جی جی. اور وہ تمام جو پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کو ڈیموکریسی کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے گڈ نیبرلی ریلیشن, جس کے اندر انڈیا کو بھی ہم شامل کرتے ہیں, تو اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم نے کافی ایفرٹس کی ہے اپنے نیبرس کے ساتھ جو ہے تمام تر تعاون کرنے کی اور ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی اور ان کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ چلنے کے لیے. لیکن نیبرس کی طرف سے کبھی پازیٹیو وائبس نہیں آئیں؟ جی میں اس سے بس یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارا جہاں تک انٹینشن ہے بالکل صاف واضح ہے, ہم نے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں ہمیشہ. اگر انڈیا کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو ہم نے جو ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈائلاگ کے لیے ریڈی ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ جو ہے وہ واحد یا وہ بہترین ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے تمام مسائل کو مل کر حل کی جا سکتے ہیں. اچھا مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو بھی خارجہ پالیسی بناتے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی شامل ہوتی ہے, یعنی جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں یہ تاثر کیوں ابھرتا ہے کہ خارجہ پالیسی پر حکومت اور جو فوج ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ایک صفحے پر نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ اگر کسی دنیا کسی بھی ملک کو دیکھ لیں تو وہاں کی ہر جگہ یہ خارجہ پالیسی جو ہے اس کے اندر کئی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. یہ ایک نیشنل پروسیس ہوتا ہے, کیونکہ اس سے منسلک نہ صرف یہ ہے کہ بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں بلکہ آپ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ بھی لنکڈ ہوتے ہیں, تو اسی حوالے سے اور پھر اس کے اندر کامرس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو خارجہ پالیسی جو ہے وہ خلا میں نہیں بنتی, اس کے اندر تمام جو آپ کے ادارے ہیں وہ ان کا باقاعدہ جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, ان کی رائے اور ان کی جو ان پٹس ہیں وہ شامل ہوتی ہیں, یہ کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں ہے. خاص کر اگر انڈیا کے ساتھ ریلیشنز کی بات کی جائے تو تمام سٹیک ہولڈرز ایک صفحے پر موجود ہیں, اگر اسٹیبلشمنٹ اور خاص کر حکومت کی بات کی جائے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ پہلے بھی کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے انڈیا سمیت تمام ممالک کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنے ویژن کا اعلان بھی کیا تھا, اور وہ اس میں سب کو جو ہے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں تمام اپنے نیبرز کے ساتھ جو ہے اچھے تعلقات کرنے ہیں تاکہ اس خطے کی جو اکنامک پوٹینشیل ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جا سکے, اور اس خطے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بیسی ان کی جو زندگی ہے اس کے اندر بیسی آ سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نفیس ذکریہ صاحب. ظفر لالی صاحب, پھر یہ تاثر کیوں ابھرتا ہے کہ خارج میں حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ان میں کنسنسس نہیں ہوتا, ان میں اتفاق رائے نہیں پیدا ہو پاتا؟ دیکھیے یہ کہنا ہر وقت کہ ہم سب سے اچھی تعلقات چاہتے ہیں یہ کیا نئی بات ہے بھائی, کون نہیں چاہتا سب سے اچھی تعلقات. یہ کہنا کہ ہم ریزنیبل ہیں, دیکھیے سیلف پریز از نو پریز. آپ کیا یہ سٹیٹمنٹس دیکھ کے کیا اچیو کر سکتے ہیں؟ کون سنتا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں سنتا ہے, تھک جاتے ہیں. خود آپ کے جو اپنے لوگ ہیں وہ ترجمان ہے وزارت خارجہ کہ یہی سٹیٹمنٹ دیں گے, اور کیا سننا چاہتے ہیں آپ ان کے منہ سے؟ میں 30 سال رہا ہوں, یہ 38 سال رہا ہوں وزارت خارجہ کو, اور وزارت خارجہ میں اس قسم کے جب سٹیٹمنٹس آتے ہیں تو کوئی نہیں سنتا, خود جو وزارت خارجہ کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں سنتے ہیں. دیکھیے امریکہ نے کیا کیا ہے, امریکہ اور اوباما نے انڈیا کو نمبر ون پرائز بنایا ہے, اسٹریٹجک ایلائی پارٹنر میجر امپورٹنس دے رہے ہیں وہ, امریکہ اور اوباما نے یہ موڈی کو انکریج کر رہے ہیں. موڈی کہتا ہے مجھے نیوکلیئر فیول دو اور میں کوئی آبلیگیشن نہیں لیتا ہوں, وہ کہتے ہیں یہ لو. مجھے میسائل ٹیکنالوجی دو اور میں کوئی آبلیگیشن نہیں لیتا ہوں کہ یہ میسائل ٹیکنالوجی میں کیسے استعمال کروں, وہ کہتے ہیں یہ لے لو. بھائی ہمارے سے ایٹامک ریئیکٹرز خریدتے رہو اور ہم اور تم ہر چیز کریں گے, اسرائیل کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, پاکستان سے 75% ٹروپس جو ان کے ہیں ہمارے بارڈر پہ ہیں ان کو بہتر کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کا کیا کاؤنٹر پالیسی ہے,
اب چین 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 آپ کہتے رہتے ہیں، چلو کچھ تو انشاءاللہ آپ ڈیلیور کریں گے سی پیک سے، سب لوگ دعا کر رہے ہیں، مگر روس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، ترکی کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، اور کتنی آپ کوشش کر رہے ہیں اور ملکوں کے ساتھ کہ آپ ایک کاؤنٹر الائنس، ایک کاؤنٹر فورس بنائیں جو آپ اور ان کو مل کے یہ جو امریکہ اسٹریٹیجک ایکسس آف ایول جو بن گیا ہے اوباما کا اور انڈیا کا آپ کے خلاف، اس کو آپ کاؤنٹر لیکن کریں. اس خطے میں جو بن رہا ہے ایران کا، افغانستان کا اور بھارت کا، شاہد لطیف صاحب، کیا ایسے میں پاکستان تنہائی کا شکار نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بات میں تھوڑی دیر پہلے بھی کر رہا تھا، یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں نا کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کو ہم سے دور کر دیا جائے. ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم سو رہے ہیں؟ یعنی ہم صرف یہی کہتے رہے کہ جی سازشوں کا شکار ہیں، یعنی اس کی آڑ میں ہم اپنا کام نہ کریں. داخلی محاذ پر ہم فیلئر ہیں، خارجی محاذ پر ہم فیلئر ہیں، تو ہم کون سی سمت ہے جس کے اندر ہم کہیں کہ ہاں جی ہمارے ایسے ریزلٹس ہیں جس پر ہم کم از کم سیٹسفیکشن کا اظہار کر سکیں؟ دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اندرونی طور پر ہم چونکہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہاں کرپشن ہے، اکانومی کا مسئلہ ہے بڑی بری طرح ہمارے سامنے اس وقت درپیش ہے، اور آج کل جو معیشت ہے وہ نمبر ون پرائیورٹی ہے. روس جیسا ملک معیشت کی وجہ سے ٹوٹ گیا، اس وقت وہ کتنی بڑی ملٹری پار تھا، کتنا بڑا ان کے پاس نیوکلیئر آرسنل تھا اس وقت. تو دیکھنا ہمیں یہ ہے، ہمیں اندر اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم اندرونی طور پر داخلی محاذ پر کیا اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی ہم خارجی معاملات کی بات کر رہے تھے، بتائیے کہ ایون کوئی بنانا ریپبلک اس دنیا میں کسی کا نام لے دیں جہاں آپ کے وزارت خارجہ جو ہے وہ بغیر وزیر کے ہو. اور اس ملک میں پچھلے 3 سال سے ہر شخص شور مچا رہا ہے مگر حکومت کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی. کیا وجہ ہے؟ ہمارے مسائل ہیں ہی زیادہ تر خارجی، اور داخلی بھی ہیں مگر خارجی مسائل ایسے ہیں کہ جن کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس کو اوپر آپ سوئے رہیں. کیا وجہ ہے؟ حکومت آج تک کو وجہ نہیں بتا سکی کہ ہمارے پاس ایک بھرپور کمپیٹنٹ ٹیم خارجہ کے علاقے میں کیوں نہیں ہے، وزارت جو ہے اس کے اوپر وزیر کیوں نہیں ہے. تو ہمارے اپنے مسائل ہیں، جب تک ہم ان کو ٹھیک نہیں کرتے ہمیں، اور یہ بالکل درست بات ہے کہ ہمیں چین جیسے ملک کے ساتھ، جیسے امریکہ بھارت کے ساتھ اگر اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں روس کا ساتھ ملاتے؟ اس لیے یہ دو ملک ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب آپ کا، ظفر لالی صاحب، ان تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.